अपने आका चीन की मदद से पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रेलिस्ट से बच निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। एफएटीएफ की क्षेत्रीय इकाई एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पहले ही पाकिस्तान को एनहेंस्ड फॉलोअप में बरकरार रखा है, जिसके बाद पाकिस्तान के एफएटीएफ के ग्रेलिस्ट में बने रहना निश्चित हो गया है। और अब 21 अक्टूबर से एफएटीएफ की वर्चुअल बैठक शुरू हो गई है, जिसमें पाकिस्तान के भविष्य का फैसला होगा। देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा, इसका फैसला 21 अक्टूबर को होना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की 3 दिवसीय वर्चुअल बैठक 21 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जिसमें आतंकिस्तान कहे जाने वाले पाकिस्तान को या तो सजा मिलेगी या फिर राहत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एफएटीएफ की ओर से दी गई 6 जिम्मेदारियों को पूरा करने में असफल रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में बने रहना तय है, लेकिन आतंकियों को पाल रहे पाकिस्तान पर ब्लैकलिस्ट होने का खतरा भी मंडरा रहा है। पाकिस्तान अब तक भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मौलाना मसूद अजहर और लश्करे तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाया। यही नहीं, उसने अचानक से 4000 लोगों के नाम अपने आधिकारिक आतंकी लिस्ट से हटा दिया। लेकिन पाकिस्तान की चाल काम नहीं आई। अब 21 से 23 अक्टूबर तक चलने वाली इस बैठक में एफएटीएफ समीक्षा करने के बाद पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में बने रहने पर फैसला करेगी। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को 27 एक्शन प्लान दिए थे, जिसमें से उसने अभी तक केवल 21 को ही पूरा किया है। इस एक्शन प्लान में जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उस पे पाकिस्तान ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। आतंकियों के नाम गायब करने पर एफएटीएफ ने कड़ी आपत्ति जताई है। पाकिस्तान की इन्हीं सब हरकतों के बाद एफएटीएफ की ग्रेलिस्ट से बाहर निकलने के इमरान खान के सपने को बड़ा झटका लग चुका है। एफएटीएफ की क्षेत्रीय इकाई एशिया पैसिफिक ग्रुप ने टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगा पाने में नाकाम रहे पाकिस्तान को एनहेंस्ड फॉलोअप में बरकरार रखा है। एपीजी के इस कदम से पाकिस्तान के एफएटीएफ की ग्रेलिस्ट में बने रहना निश्चित हो गया है। पाकिस्तान की आतंकवाद पर अब तक की कार्रवाई महज एक दिखावा थी, और इस बात का खुलासा एपीजी के दावे से भी होता दिखाई पड़ रहा है। एपीजी ने पाया कि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने के लिए एफएटीएफ की ओर से दिए तकनीकी सुझावों को लागू करने में पाकिस्तान ने बहुत कम प्रगति की है। एपीजी की ओर से पाकिस्तान के मूल्यांकन की पहली फॉलोअप रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने एफएटीएफ की ओर से की गई 40 सिफारिशों में से केवल 2 पर प्रगति की है। इस रिपोर्ट के बाद अब पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में बना रहना निश्चित हो गया है और उस पर ब्लैकलिस्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान को कई बार मौका दिए जाने के बाद भी वो एफएटीएफ को संतुष्ट कर पाने में नाकाम रहा है। जून 2018 से पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, और उसे इससे बाहर आने के लिए जून 2020 तक शेष बिंदुओं पर काम करने की चेतावनी दी गई थी। इससे पहले कोरोना महासंकट के बीच पाकिस्तान ने खुद को एफएटीएफ की ग्रे सूची से हटाए जाने के लिए बड़ा दाव चला था। पाकिस्तान ने पिछले 18 महीनों में निगरानी सूची से हजारों आतंकवादियों के नाम को हटा दिया है, जिसके बाद अब उसका बच पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को 27 बिंदुओं पर एक्शन लेने के लिए जून तक का वक्त दिया था। अगर अब भी पाकिस्तान 27 बिंदुओं को पूरा करने में असफल रहता है तो एफएटीएफ उसे काली सूची में डाल सकता है। पाकिस्तान पर मुसीबतों का अंबार टूट पड़ा है। बार बार चेतावनी देने के बाद भी पाकिस्तान ने अपनी गलतियों में सुधार नहीं किया, और अगर किया भी तो वो महज एक दिखावा था। निश्चित तौर पर अब एपीजे के फैसले के बाद पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में बरकरार रहना तो तय है, और अब एफएटीएफ की बैठक में फैसला होगा कि पाकिस्तान इसी ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा या फिर पाक पर एफएटीएफ की काली सूची के बादल छा जाएंगे। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।